हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इससे पहले मैंने हाई लो टॉप की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो को पहले से ही बना चुकी हूं, आप चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो इसे जो है पहले अच्छा से टू फोल्ड करना है। देखिए, इसे इस तरह से टू फोल्ड करेंगे। तो इसे इस तरह से टू फोल्ड करने के बाद इसकी मेजरमेंट करना है। देखिए, इस तरह से इसको पहले टू फोल्ड कर लेना है। इधर जो है ओपन वाली साइड है और यहाँ पे टू फोल्ड है, और नीचे में जो है नीचे में मेरा इधर मेरी फोल्ड वाली साइड है, और फोल्ड वाली साइड के तरफ से ही कॉर्नर को पकड़ना है, एक कॉर्नर को, और इसको इस तरह से दूसरे कॉर्नर में इस तरह से सेट कर लेना है। देखिए, इसे अच्छा से सेट कर लेना है। और यहाँ पे जो है ओपन वाली साइड है, इधर भी मेरा ओपन वाली साइड है। देखिए, इधर ओपन वाली साइड है, एक फोल्ड और एक ओपन, और इधर जो है पूरा ही फोल्ड है। अब इधर का बचा हुआ कपड़ा जो है इसे काट के निकाल लेना है। कपड़ा को एकदम बराबर करना है, इसे काट के निकाल लेना है। अब इधर से जो है मुझे लेंथ लेना है। आपका जितना भी लेंथ है आप अपने हिसाब से लेंथ ले लीजिएगा। मेरा यहाँ पे फिक्स लेंथ है यहाँ पे 34 इंच, जिसमें मेरा 2 इंच का बेल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे बेल्ट को निकाल लेंगे, और यहाँ पे 2 इंच लेस करने से मेरा यहाँ पे आएगा 32 इंच। 32 इंच पे मार्क कर लेंगे, और मोहरी के लिए जो है यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान को लगाऊँगी। और यहाँ पे आसन जो है, आसन मेरा है 13 इंचेस, जिसमें मेरा 2 इंच का तो बेल्ट ही आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा यार 11 इंच। यहाँ पे 11 इंच पे निशान को लगाऊंगी, और 2 इंच ऊपर में मेरा बेल्ट के लिए आ जाएगा। और यहाँ से जो है 1.5 इंच पे निशान को लगाऊंगी, जो मेरा क्रोसगह के लिए बनेगा। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को दे देना है, देखिए, और इसे इस तरह से राउंड शेप को दे देना है। अब इधर जो है, इधर 2 इंच पे मार्क करना है। देखिए, इधर मेरा प्लेट्स डलेगा, तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे, और इसे थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। तो देखिए, इसकी मेजरमेंट जो है वो हो गई है। अब कटिंग करनी है। धोती सलवार को बनाना बहुत इजी है, इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए, सेम इसी मेथड से करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, इसका कटिंग भी कर लिए हैं। अब इधर जो मेरा फोल्ड वाली साइड थी, तो इसे काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पे मेरा 2 पल्ले आ गया है, 2 पैर के लिए 2 पल्ले मेरा बन गया है। अब यहाँ पर जो हम लोग 2 इंच पर जो कट लगाए थे, इसे अब सी लेना है। और इधर जो है, इधर मेरा आसन के लिए आ जाएगा, और इधर 2 इंच में इसे फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेंगे। देखिए, इसे इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं सिलाई को लगा चुकी हूँ इस तरह से। अब जो है प्लेट्स डालना है। प्लेट्स के लिए जो है पहले अपनी कमर का जो है चौड़ाई देखनी है, कि मेरा कमर का चौड़ाई कितनी है। मेरा है यहाँ पे 36 इंचेस, जिसमें मैं 4 इंच यहाँ पे लूजिंग के लिए लूँगी। तो यहाँ पे होगा 14 इंचेस, जिसमें मुझे 4th पार्ट करने से यहाँ पे आएगा 10 इंचेस। यहाँ पे एक तरफ को मुझे 10 इंचेस का प्लेट्स को डालना है। प्लेट्स बना के 10 इंचेस आना चाहिए, दूसरे तरफ को भी वही 10 इंचेस। तो मेरा एक पार्ट में टोटल 20 इंचेस का प्लेट्स डाल के बन जाएगा, और दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही 20 इंचेस का ही आएगा। तो बन जाएगा मेरा टोटल यहाँ पे 14 इंचेस। अब प्लेट्स जो है इस तरह से डालना है। देखिए, प्लेट्स को इस तरह से डालेंगे, इस तरह से एक तरफ का प्लेट्स को डालेंगे। इनके बाद दूसरे तरफ को जो प्लेट्स को डालना है, तो वो इस तरह से अब प्लेट्स को डालना है, इसी तरफ से इसी का फेस करते हुए। अब दूसरे पल्ले को, मतलब प्लेट्स को डालना है इसी तरह से। देखिए,
इस तरह से प्लेट्स को डाल लेंगे और यहाँ पे जो है सिलाई को लगा लेंगे। देखिए इसे सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पे भी फिर से आप लोग को दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो 2 इंच में हम लोग सिलाई लगाए थे, इसी से हमें पहले प्लेट्स को इस तरह से डालना है। इस तरह से प्लेट्स को लेंगे और 2-3 प्लेट्स को बनाएंगे और यहाँ पे सिलाई को लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से 2-3 प्लेट्स को लेना है और सिलाई को लगाना है। तो देखिए एक तरफ का प्लेट्स डल किया है और यहाँ पे जो है इंची टेप से पहले हम लोग को मेज़र कर लेना है कि कितना आया है। तो एक तरफ को मुझे 10 इंच चाहिए, यहाँ पे देखिए 10.5 इंचज़ है, जिसमें मुझे हाफ इंच जो है वो मार्जिन के लिए लगेगा और 10 इंच मेरा फिक्स रहेगा। अब दूसरे तरफ को भी मुझे प्लेट्स में वही 10 इंच ही चाहिए। इस तरफ को अब इस तरह से फेस करते हुए प्लेट्स को डालना है, तो इसलिए इसको इस तरह से घुमाव देते हुए इसको इस तरह से पहले सीएंगे थोड़ा सा और प्लेट्स को डालना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से अब इधर का प्लेट को डालना है, देखिए इस तरह से अब इधर का प्लेट को डालना है और इधर भी 10 इंच ही लेना है। तो टोटल मेरा एक पाव का पल्ले में 20 इंचज़ का बन जाएगा। पूरे में इसी तरह से प्लेट्स को डालते हुए बना लेना है। देखिए इधर जो है 20 इंच का एक पल्ले बन के तैयार हो गया है, एक पाव का, और दूसरे पाव का भी मेरा ऐसा ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पूरे में सिलाई को लगा लिए हैं, ऐसा ही सेम प्रोसेस से दूसरे पल्ले को भी बना लिए हैं। अब इसको इसके ऊपर को रखना है और एक तरफ का आसन को जो है वो जोड़ लेना है। इस तरह से एक तरफ का आसन को जोड़ लेना है और दूसरे तरफ का आसन को खुला ही रखना है, सिर्फ एक ही तरफ का आसन को जोड़ना है। तो यहाँ पे आसन को जोड़ लिए हैं और अब जो है इसके लिए बेल्ट को निकालना है। तो बेल्ट जो है यहाँ पे मैं बेल्ट को निकाल चुकी हूँ, देखिए इस तरह से बेल्ट को निकालना है। बेल्ट की लंबाई जो है वो टोटल 5 इंच का है और इसकी चौड़ाई जो है वो हमारे सलवार की हिसाब से इसकी चौड़ाई है, जितनी हमारी कमर की चौड़ाई है इसी हिसाब से मुझे अपनी बेल्ट को निकालना है 4 इंच लूजिंग देके। देखिए इस तरह से अब इसके ऊपर को रखना है और यहाँ पे जो है सिलाई को लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई को लगा लेनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे सिलाई को लगा चुकी हूँ, मेरा यहाँ पे सिलाई को लगा लेने के बाद दूसरे तरफ का भी आसन को अब सिलाई को लगा लेना है। इस तरह से दूसरे तरफ का भी आसन में सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पे आसन में सिलाई को लगा लेने के बाद इसको इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, इनके बाद दोबारा इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो मेरा 2 इंच का जो है वो बेल्ट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए 5 इंच का बेल्ट को लिए थे लेकिन इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 2 इंच का बेल्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं बेल्ट को जोड़ चुकी हूँ, अब इसके लिए मुझे इसको इलास्टिक को अंदर डालना है। आप चाहे तो यहाँ पे नेफा भी दे सकते हैं या फिर इलास्टिक भी दे सकते हैं। और बेल्ट जो है बेल्ट आप अपने कमर के हिसाब से निकालना है, आपका कमर जितना भी है इससे 4 इंच आपको कम लेना है बेल्ट को और इसके अंदर को डाल देना है। तो देखिए यहाँ पे 4 इंच कम बेल्ट को ली हूँ और इसके अंदर को डाल चुकी हूँ, यहाँ पे सिलाई को लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई को लगा लिए हैं और यहाँ जो है यहाँ पे मुझे अब पल्ले को जोड़ लेना है। इस तरह से इधर जोड़ देंगे और इसी तरह से मिडिल से होते हुए इधर को जोड़ लेंगे और यहाँ पे नीचे में जो है नीचे में भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी सिलाई को लगा लेंगे। दोनों ही मूरी को इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं सिलाई को लगा चुकी हूँ, देखिए इस तरह से, और मूरी को भी फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी सिलाई को लगा चुकी हूँ। और अगर हाई लो टॉप की कुर्ती की स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो को देखनी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में इसे देख सकते हैं। मेरे वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल
पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सके।